भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन, ऑडिबल टू एवरीवन। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। एक बार कमेंट करिएगा, ऑडिबल विजिबल ऑल ओके फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आप ही बताओगे, क्योंकि यू आर द व्यूअर्स, यू आर द स्टूडेंट। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, ठीक है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और साथ के साथ अपना तो चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको जरूर क्या है सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना, जितने बच्चे देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल, बिकॉज सारी पीडीएफ सारे लिंक सब कुछ आपको इसी में ही मिलने वाला है, ठीक है, इसी में ही मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, और कोर्स लाइव है सभी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अमन 11 रेफर कोड से। वाईफाई स्टडी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है कितने बजे, 11 बजे साइंस की थ्योरी होती है, मैटर नॉन मैटर चल रहा है, ठीक है। गेम चेंजिंग क्लास ये दो है, ठीक है, ये दो क्लासेस गेम चेंजिंग है। कैसे? बिकॉज थ्योरी पढ़ोगे तभी सब कुछ आएगा। सुबह 9 बजे अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास है, और उसके बाद 2:30 बजे अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास है। सारे ट्रिक्स सारे कंसेप्ट मैं इसी में लेके आता हूं, और एक सुबह 6 बजे वाली क्लास जो आपके लिए बेनिफिशियल है, 100% बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये अपना शेड्यूल है जो कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलता है आपको। करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट। टारगेट 100 क्वेश्चन, हमेशा की तरह 100 क्वेश्चन, और उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, साइमन कमीशन को बॉयकट करने का कारण क्या था? साइमन कमीशन को किस लिए बॉयकट किया गया था? क्योंकि यार सारे व्हाइट कमीशन, ऑल व्हाइट कमीशन था, सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन उसमें नहीं था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जितने बच्चे देखें, ठीक है, चलिए, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है, एक भी ब्रिटिशर नहीं था, इसी वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया, ठीक है। विच रिवर इज नोन एज द ओपन सीवर, कौन सी नदी को ओपन सीवर कहा जाता है? लेकिन सवाल यह आ रहा है कि ओपन सीवर कहा जाता है, कौन सी ऐसी नदी है, विच, कौन, सवाल देखो, इसका आंसर तो है जमुना, इसका तो आंसर है जमुना, क्योंकि भैया ओपन सीवर की तरह काम करता है, ठीक है, इतने बुरे हाल हो गए जमुना के। सवाल यह आता है, सवाल सवाल इसके ऊपर असली सवाल जो आता है यह है, कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया, ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया। तो दिमाग में रखे, जमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी जमुना ही है। क्वेश्चन यही आएगा आपको, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से हैं? जल्दी से बताएगा भाई, सेशन को इतना शेयर कर देना जिससे कि बच्चे जुड़ सके यार, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से बच्चों? आसान है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ठीक है। यूएसए हमारी तरफ, रशिया हमारी तरफ, फ्रांस ऑलमोस्ट हमारी तरफ, ठीक है, और यूके कभी कुछ बोलता ही नहीं है, चाइना हमारा प्यारा दोस्त, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मैटर करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर के ऊपर, ठीक है, दिमाग करेगा। बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य उपाधि इन्हें मिली थी, कौन से मूवमेंट के बाद? होम रूल मूवमेंट के बाद, ठीक है, होम रूल मूवमेंट के बाद बाल गंगाधर तिलक को लोक मानने की उपाधि दी गई थी। द पेंटिंग इन द अजंता एंड एलोरा केव आर इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ, जो एलोरा है और एलोरा जैसे राजपूता के द्वारा अजंता, इन सभी में जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये सभी जो चित्रकारियां हैं, ये सब कौन से, किससे संदर्भ में, कौन से वंश के संदर्भ में, जल्दी से कमेंट करेगा, कौन से वंश के संदर्भ में, ठीक है, आंसर क्या है? चालुक्य वंश के संदर्भ में, ठीक है, दिमाग में रखेगा। अब आपसे कोई पूछे कि सर आपने तो कहा राष्ट्रकूता, भैया ये बनाने का काम है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, संदर्भ किसी का भी हो सकता है। चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड वाज डिफीटेड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल चालुक्य किंग्स थे, ठीक है, लेकिन नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो थे इनके क्या निकले, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनके क्या निकले कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज तो आपको समझ आ ही क्या होगा, और आप बता भी दोगे, ठीक है, आंसर क्या है? द रेप्यूटेड म्यूजिशियन, ठीक है, पहला देव, दूसरा तानसेन, और तीसरा बेजू बरवा, ठीक है, ये किसमें थे भैया? तानसेन इज इक्वल टू अकबर, तो भैया आंसर यहीं पे खत्म होता है, अकबर इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, अमन 11 रेफर कोड यूज करिए अन अकेडमी पे जुड़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है एस्टैब्लिश की थी, हु फ्रॉम डिड? अशोका टेक द इनिशिएशन ऑफ बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी अशोका ने किससे ली थी? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है, किससे ली थी भैया? उपगुप्ता से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, उपगुप्ता से अशोका ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
संगम एज अभी हमने जो क्लास करी थी ना 1:30 बजे, उसमें इस क्वेश्चन को कराया था मैंने कि भैया संगम एज किससे संबंधित है, तो आंसर सभी बता सकते हैं कौन से राज्य से, मैंने कहा था साउथ से संबंधित है। आंसर क्या है इसका फिर? आंसर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो बच्चों रिपोर्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज से पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा दी जाती है। आंसर क्या है इसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतरराष्ट्रीय कोष मुद्रा है, अंतरराष्ट्रीय कोष मुद्रा है, उसके द्वारा दी जाती है। देखते हैं अगर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बॉन्ड, इसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन है, आपको मैं बहुत बारी बता चुका हूं इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फूड। ठीक है, अगर मैं फूड की बात करूं, फूड हमेशा क्या होता है? कार्बोनिक कंपाउंड्स का बनता है। फूड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स, लेकिन इधर ये कह रहा है इट इज नॉन कार्बोनिक मैटर, तो भैया आंसर क्या है? डी है, स्टेटमेंट गलत है डी। ठीक है, दिमाग पर रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहली लोकसभा की वुमेन स्पीकर? मीरा कुमारी। ठीक है, सब पे भारी, क्योंकि मीरा कुमारी ने फॉरेन ट्रिप्स इतनी करी है कि पछताते हैं। ठीक है, प्रतिभा पाटिल और मीना कुमारी। ठीक है, ज्यादा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्तूपा, कहां पे स्तूपा नहीं है? रांची में स्तूपा नहीं है। ठीक है, रांची में स्तूपा नहीं है। ठीक है, अजंता पेंटिंग बिलोंग टू कौन से संदर्भ में, कौन से काल के संदर्भ में? अभी अजंता पेंटिंग किनके काल के संदर्भ में? अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था चोलक्यस के बारे में, ठीक है, और राष्ट्रकूटा के बारे में। ठीक है, आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? आंसर कुमार क्या? गुप्ता पीरियड। ठीक है, दिमाग में रुकेगा, गुप्ता पीरियड इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। और अजंता की चित्रकालियां जो है उसमें बता भी रखा है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। हरप्पन्स वर द अर्लिएस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, जल्दी से बताएगा हरप्पन्स ने क्या प्रोड्यूस किया था? बड़ा आसान है, कपास, कॉटन। ठीक है, आसान है। ठीक है, कपास, कॉटन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, कार्टेशियन प्रोटोकॉल स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, आसान है, 2008 में कार्टेशियन प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। सेशन को शेयर करना भाई बिल्कुल, ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर्वाइव स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन करना। ठीक है, मैं आपको अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरी सुबह कल 7 मिनट की ट्रिक क्लास है। ठीक है, 7 मिनट की ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इनसे ऐसे और ट्रिक मिल जाए तो हमें चीजें जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डेली ट्रिक भी होती है, और वो डेली ट्रिक कितने बजे होती है? सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे मैं अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में ट्रिक बहुत सारी बताता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, लोकसभा की डिबेट किसमें प्रिंट होती है? आंसर क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर टू कॉमरेड द इंटरेस्ट ऑफ कंदेश। ठीक है, जब अकबर ने कंदेश राज पे गुजरात में कब्जा कर लिया था, उसके बाद उन्होंने बनाया बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? आसान है, पर्शियन। क्यों? क्योंकि यार जो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाया, ठीक है, कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके अलावा और भी बहुत सारे, ठीक है, इल्तुतमिश, ये सभी पर्शियन थे, ये सभी पर्शियन थे, तो इस वजह से इनकी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन हुई। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पर्शियन हुई। H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, कारण क्या है भैया? H2O जो है ऑक्सीजन स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ एज कम्पेयर टू सल्फर, सल्फर इतना स्ट्रोंगर बॉन्ड नहीं बनाता, ऑक्सीजन बनाता है इस वजह से। ठीक है, ये अपना कंप्लीट सुप्रीम बैच है डिफेंस के कोर्सेज के लिए, आप मुझसे अन अकेडमी पे अमन 11 रेफर कोड यूज करके जुड़ सकते हैं मेरे सभी कोर्सेज में डिफेंस के। ठीक है, ऐसे ही SSC, ऐसे ही रेलवे, आपको बस इतना करना है मेरी अन अकेडमी की, चाहे फ्री लाइव क्लासेस हो या पेड क्लासेस हो, उन सभी के लिए आपको अमनदीप शर्मा सर्च करना है और उसमें फॉलो करना है अमनदीप शर्मा को। नाम क्या? मेरा फुल नेम है अमनदीप शर्मा, जनरली आई डोंट स्पीक कि अमनदीप शर्मा मेरा फुल नेम है, लेकिन अन अकेडमी पे फुल नेम लिखा हुआ मैंने अपना, अमनदीप शर्मा है। ठीक है, तो उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दिमाग करेगा, फ्री क्लासेस को भी इसी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए जब दो सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप जुड़ते हैं तो हम उससे क्या मिलता है? हमें रेक्टिफायर मिलता है। क्या मिलता है उससे? हमें रेक्टिफायर मिलता है, दिमाग में रखिएगा। पीएन एन टाइप कंडक्टर से क्या मिलता है? रेक्टिफायर मिलता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुई थी, किससे संबंधित थी? पीओ, ठीक है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित। किससे संबंधित? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये नहीं करना है क्वेश्चन। लैंड मेजर्स ऑफ सेकेंड पांडियन एम्पायर वाज मेंशन, ये बहुत बार करा दिया, कसौटी कॉपर प्लेट जो है उसमें पांड्यन एम्पायर के लैंड मेजर्स थे जो वो दर्शाए गए थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज
वी हैव वॉटर ऑन द अर्थ, ठीक है, वी हैव वॉटर ऑन द अर्थ इस वजह से, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ अपनी आंसर देने की, ऐसे क्वेश्चन को देखो भी मत, कार्डियोलॉजी हार्ट हार्ट इसका आंसर है। 11 बजे अपनी क्लास होगी, 11 बजे क्लास का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल थ्योरी पढ़ाता हूँ आपको। जैसे साइंस की थ्योरी आप इधर पढ़ते हो ना, वैसे ही बच्चों जीके की थ्योरी में इससे भी गजब तरीके से आपको अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। कितने बजे, सुबह 9 बजे, ठीक है, तो आप जुड़ने की कोशिश करो कि सुबह 9 बजे उठो यार, उठोगे तभी तो फायदा ना लोगे, ठीक है, सुबह 9 बजे, ठीक है। विच वॉज द चोला किंग हु रोड गंगा टू द नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लेके आए थे, राजा राजा गाना भी है इसके ऊपर, राजेंद्र चोला, सॉरी राजेंद्र चोला इसका आंसर है। राजा राजा ने क्या कहा था, नेवी में सुप्रीमेसी हासिल करी थी और श्रीलंका पे कब्जा किया था, राजेंद्र चोला ने गंगा को नॉर्थ से साउथ लाया था। मुंबई हाई फील्ड्स आर लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, दिमाग में रखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम प्रोजेक्टेड, ये छोड़ेंगे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फीचर ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, किसमें है, जैसे अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए में क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप है, दिमाग में रखिएगा, और ये क्या है फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा फेडरल गवर्नमेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप मारते हैं, ठीक है। द फेमस जैन सेंटर इन साउथ, जैन सेंटर जो साउथ में उसका नाम क्या, जल्दी से बताइए यार, जैन सेंटर जो साउथ में उसका नाम क्या, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर क्या इसका, ठीक है, स्वर्ण भेलगोला, ठीक है, दिमाग पर रखिए, ये एनसीईआरटी है ना, इसमें ये सब चीजें वर्ड लिखे हैं, बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, शेयर करना सेशन को। विदाउट द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, डेलाउसी डॉक्टर आइन ऑफ लेफ्ट मिंटो, ठीक है, ये भी ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये इसका आंसर गलत है, मैंने ये करा रखा है क्वेश्चन 5:30 बजे करा रखा है, आंसर क्या इसका यार, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया था और वर्नाकुलर एक्ट लिटन के द्वारा कराया था। फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स, इंडिया है, ठीक है, इंडिया रीच द मार्स, ठीक है, ये पूरा क्विक रिविजन सिलेबस है, ठीक है, एसएससी के लिए अमन 11 रेफर कोड्स। इन हाउ मेनी पार्ट ऑफ द शेड ऑफ द अर्थ इज डिवाइड, कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, दिमाग में रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा आसान है, एमीटर को यूज किया जाता है। डैश इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी तो भैया अपने देश में एक ही है, पार्लियामेंट। Who was the first Indian Governor General of India? C. Rajagopalachari इसका आंसर है, ठीक है, C. Rajagopalachari भारत के सबसे पहले क्या है, भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, दिमाग में रखें, आसान है क्वेश्चन। स्पेन की करेंसी क्या है, स्पेन की करेंसी क्या है, जल्दी से कमेंट करेगा, वट इज द करेंसी ऑफ स्पेन, जल्दी से बताएगा, वट इज द करेंसी ऑफ स्पेन, आंसर क्या है, यूरो इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखें, यूरो इसका आंसर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रोवाइड कराता है, जल्दी से बताएगा, हु प्रोवाइड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जल्दी से बताएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट है कौन, यूएनडीपी प्रोवाइड कराता है, कौन यूएनडीपी प्रोवाइड कराता है, देखते हैं क्वेश्चन। जूम लेंस ऐसा लेंस होता है, अब पूछा गया जूम लेंस क्या होता है, अब यार बेसिक है, देखो ह्यूम लेंस क्या होता है, जो कि क्या करे ट्रांजिशनल फोकल लेंथ रखे, ठीक है, उसे कहते हैं जूम लेंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, द होम रूल लीग मूवमेंट किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 9 अगस्त, भाई क्वेश्चंस को एकदम दिल में बसा लो, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार दिमाग में देखोगे, बार बार याद होंगे तो पेपर में स्पीड में आंसर दोगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, एक्यूरेसी मैटर्स, ठीक है, नॉलेज ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपार नॉलेज लेके आप सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन बहुत एक्यूरेसी लेके आप सिलेक्शन जरूर ले सकते हो। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ करंट कंडक्टर बिकम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक मलयादम, ठीक है, आंसर कृष्णदेव आर्य, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हु बिल्ड द फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम, किसके द्वारा, नंदी वर्मन सेकंड के द्वारा, नंदी वर्मन सेकंड के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना मेनली एम एट क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर, किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेग एम्प्लॉयड दोनों, मतलब अगर आप खुद काम करना चाहते हो वो भी, और वेग एम्प्लॉयमेंट दोनों, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुवैत उल इस्लाम मोस्की वॉज बिल्ट बाय, किसके द्वारा, कुवैत उल इस्लाम मोस्की किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनाया गया था।
ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन भाई, क्लास टाइम पे ज्वाइन करें करो, जैसे अभी 11 बजे वाली क्लास होगी, आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, सोना है भाई, सो जाओ, ठीक है, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। देखो 10 बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 10 बंदे पढ़ाई कर रहे हैं 10 बजे तक, मान लो 11 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 11 बंदे हैं, 11 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, 11 में से 9 को नींद आ रही है, 9 को नींद आ रही है, तो भाई कोई बुरा मत मानना, दो ही बच्चे जो है जो कि मेहनत कर रहे हैं, और जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो आगे तक पढ़ रहा है, सिलेक्शन वो ही लेगा, फिर अपने आप को क्यों कोसना है, क्योंकि हम तो सो रहे थे, ठीक है, दिमाग में रखे, हम तो सो रहे थे, हमें सर सुबह कहते हैं 9 बजे आओ तो हम तब भी सो रहे थे, हमें सर रात को कहते हैं 11 बजे आओ तो सब भी सो रहे थे, जब हम सो ही रहे थे तो फिर सर का क्या दोष, किसी दुनियादारी का क्या दोष है, हमारा ही दोष है ना, ठीक है, समझना इस चीज को। इन इंडिया एंशिएंट आयरन एज इज अटैच विद, किससे अटैच है, ग्रे पोएट्री से अटैच है, दिमाग में रखना, किससे, ग्रे पोएट्री से अटैच है। इन विच स्टेट इज कुंदुकलम न्यूक्लियर जो प्लांट है, कहां पे, तमिलनाडु में। स्पेक्टेकल्स जो हम 3D फिल्म देखने के लिए यूज करते हैं, एवेंजर्स देखी सभी ने, तो आंसर भी है पोलॉइड्स को यूज किया जाता है। विच प्लैनेट इज नोन एज बिग एज द अर्थ, अर्थ के जैसा साइज किसका है, यह वीनस का, दिमाग में रखेगा, वीनस का, ठीक है, दिमाग में रखेगा। मेरे को एक बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं, एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा है, मेरे को पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन वर्ड आया स्मार्ट वर्क, मैं आपको अभी भी बता देता हूं, अभी भी बता देता हूं, कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, इतना स्मार्ट वर्क कर लो, लेकिन आपको अभी भी बता दूं, हार्ड वर्क का कोई भी कंपनसेशन नहीं है, ठीक है, हार्ड वर्क कभी भी कंपीट नहीं कर सकता, किस हार्ड वर्क किया है तो स्मार्ट वर्क रह जाएगा, ठीक है, दिमाग में रखना, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क हमारी हमारी जो चीजें स्ट्रेटजी बनाते हैं ना उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा हार्ड वर्क हमारी शिद्दत पे डिपेंड करता है, ठीक है, और शिद्दत सबसे ज्यादा जरूरी होती है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मरीन क्लीफ आर फॉर्म मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से, ओशियन करंट्स की वजह से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। पेरिस्कोप किस पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसे ग्लास होते हैं, इस तरीके से ऐसे जाता है, रिफ्लेक्शन होता है पूरा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, बड़ा आसान है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। हाउ मेनी ईयर डज द टर्म ऑफ चेयरमैन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसका ईयर कितना होता है, 4 साल होता है, कितने साल का, 4 साल उसका ईयर होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, ठीक, 26 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि हमने इस दिन इनोग्रेट किया था, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, किस वजह से हमने 26 जनवरी का इंतजार किया, क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 1930 में इंडिपेंडेंस डे बनाया था इसलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टर्न इन विच ऑफ द, आसान है, फ्यूजन है, फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आपको, हाँ भाई, द एम, ये स्कीम पुरानी हो चुकी है, लेट स्किप दिस स्कीम, कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज द, हु वाज इन फेवर ऑफ डेमो, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, बताइए कौन फेवर में था, पार्टीलेस डेमोक्रेसी के फेवर में कौन था, कमेंट करेगा। आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण वॉज इन फेवर ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। कबड्डी कहां पे नहीं खेली जाती, राजस्थान में, तमिलनाडु में खेलते हैं, तेलंगाना, पंजाब, चलो राजस्थान में नहीं खेलते, ठीक है, नॉट अ गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लेनेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आंसर इसका मार्स है, मरकरी मत लगा देना गलती से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मार्स है, ठीक है, मार्स है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएगा, किस दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर को बनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 2 दिसंबर को बनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। कल सुबह, जो बच्चा सुबह क्लास नहीं देख रहा है, स्किप कर रहा है, ऐसे पोर्शंस को, ले लद्दाख चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट की वजह से इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसकी जो नदियां हैं, सियोक नदी हो गया, ठीक है, कुब्रा नदी हो गया, इसकी फ्रिंजो नदी जो हो गया, ठीक है, इंदस नदी हो गया, इसकी सबसे हाईएस्ट एलिवेशन, सबसे लोएस्ट एलिवेशन, ठीक है, इसमें कौन कौन से रोड आते हैं, इसमें कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना जरूरी है, जो कि मैं कल सुबह पढ़ाने वाला हूँ 6 बजे। टेलीग्राम चैनल पे मैं स्पेशल सेशन के नाम से लिख दूंगा, लिंक पिन कर दूंगा, जानिए ले लद्दाख विद 3D मैम, तो भैया देखिएगा जरूर, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से, 100% क्वेश्चन, कल का टॉपिक सुबह 6 बजे का, स्किप मत करो, 12 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो है, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है, पेपर में लगेगा, हाँ हमने कुछ वर्थ ही पढ़ा था जो पेपर में भी आ गया, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ शैडोज आर देयर, डिवाइड कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं आपको पता ही है, ठीक है,
चलिए, बाय कैमरल लेजिस्लेशन का मीन क्या है, जिसमें लोकल लोअर और अपर चैम्बर दोनों है। ठीक है, दिमाग पर रखे एक और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, एक बच्चे को पता है, रोहित जो है, रोहित को पता है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन और भी चीजें डियर जानना जरूरी है। ठीक है, और भी चीजें जरूरी है जानना। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई के फुल फॉर्म है। न्यूरॉन्स किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। साइंस की क्लास जब 11 बजे कराऊंगा ना, उसमें चैप्टर लेके आने वाला हूं मैं पूरा नर्वस सिस्टम के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, करेंगे उसमें, ठीक है, दिमाग करके 11 बजे करेंगे। वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड, कहां पे बृहदेश्वर टेम्पल, तंजोर में बना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में, तंजोर में बना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मराठास वर डिफीटेड इन पानीपत, कारण उसका बस ये था क्योंकि दे वर नॉट इक्वल टू अफगान इन द स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, गोपाला इज द पाला एंड गोपाला इज ऑल्सो इन सम ऑफ द वन मूवी गोपाल। गोपाल कौन सी मूवी में, यार याद नहीं आ रहा। गोपाल कैरेक्टर किसी मूवी में है जिसकी बहुत सारी सीरीज भी आई है, आई एम नॉट नॉट एबल टू रिगेन। एक बार बताएगा कोई, गोपाल किस मूवी का कैरेक्टर है। ये करंट अफेयर 6 बजे वाली क्लास इज मोर देन इनफ। ठीक है, दिमाग में रखेगा। मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। ठीक है, कौन सा है? लोकेशन था मुसूरी। ठीक है, दिमाग में रहेगा मुसूरी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात में, गोलमाल, गोलमाल है। ठीक है, गोलमाल में गोपाल होता करता था। फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड ऑल ओवर सेंट ओरिजिनेटेड, कहां से? ये तमिलनाडु से आए थे। ठीक है, ऑल ओवर सेंट जो है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। हाँ भाई, जहां पे एफ आ जाए वहीं पे वो जीत गया। ठीक है, दिमाग में रखे, जहां पे एफ आ जाए वहीं पे वो जीत गया, समझना, बहुत बेसिक है। ठीक है, बहुत बेसिक है, यही चीज आपसे पूछी जाती है, जहां पे एफ आ जाए वहीं पे वो जीत गया। ठीक है, सेशन को लाइक करो यार, बढ़िया तरीके से 400 प्लस करो इसको, 400 प्लस तो कर दो, खेच के दबाओ इसको एक बारी। ठीक है, 400 प्लस लाइक होने चाहिए। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है। ठीक है, दिमाग में रखे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, हेडलाइट में बहुत बार करा दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड द हिमालय, हो गया बहुत बारी। हु सेड द साइमन कमीशन शुड बी थ्रोन इन द हीट। ठीक है, दिमाग में रखे, शिव स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था भैया साइमन कमीशन को फेंक दो, बेकार है। ठीक है, दिमाग में रखेगा, बेकार है। डेली होता है 9:30 बजे लाइव टेस्ट, टारगेट 100 क्वेश्चन, मिनट 30 मिनट में हम खत्म करते हैं इसको। ठीक है, हमारा टारगेट रहता है भैया, देखो जितनी टारगेट बनाओगे उतना ही बढ़िया। ठीक है, टारगेट हाई रखो। ठीक है, पता है एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, एक छत पे से ना, बहुत 3 मंजिल की इमारत है, 3 मंजिल की इमारत से कूदने में और 3 मंजिल की इमारत पर एक क्या बोलते हैं रस्सी टांग कर नीचे आने में ना बहुत फर्क होता है। और बेस्ट क्या रहता है कि रस्सी टांग के नीचे आओ, कूदने मत लग जाना। समझना, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, पूरा नहीं समझाऊंगा, पूरा समझाना है तो सुबह 9 बजे जुड़ो, उसमें समझाऊंगा क्या कहना क्या चाहता हूं। और बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है, जो काम समझ आ गई तो बहुत चीजें आगे बढ़ जाऊंगी। बुद्धिस श्राइन टेम्पल ऑफ द ट्रूथ इज लोकेटेड कहां पे? श्रीलंका में। ठीक है, दिमाग में रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, प्रिज्म को यूज किया जाता है, डिस्पर्जन। ठीक है, दिमाग में रखेगा, डिस्पर्जन। ठीक है, रस्सी लगा के है, लेकिन भैया रस्सी लगा के क्यों, कारण ये है, सवाल ये है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चोला किंग, जल्दी से बताइए, कैपिटल ऑफ चोला किंग जल्दी से बताएगा कौन सी थी। आसान है, तंजोर है, जहां पे मंदिर बनाया था बृहदेश्वर। ठीक है, द आउटर व्हाइट पार्ट ऑफ आई जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। है क्या फॉरवर्ड ब्लॉक मूवमेंट जो है, मूवमेंट जो स्टार्ट करी थी ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, बहुत बारी हो गया, अयोल इसका आंसर है। ठीक है सर, आप तो बहुत खड़ूस हो। भाई मैं बिल्कुल खड़ूस ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी एज का ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो खड़ूस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, द चोला किंग्स वर रूलिंग ओवर किसके ऊपर? चोला किंग्स क्या संगम एज से हैं, तो भैया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, दिमाग में रखेगा, ये 2011 का सेक्स रेशो अगर आपसे पूछे, इन्फेंट सेक्स रेशो है। ठीक है, वो कितना था? 19। ठीक है, 9:19 था। ठीक है, दिमाग में रखेगा, 9:19 था। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, विद इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला। चोला जो उत्तर मेरूर जो है, इसके इंस्क्रिप्शन में चोला के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बता रखा। What was the Hampi known for? Hampi किसके लिए known था? It was the capital of Vijayanagara. It was the capital of
विजयनगरा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये किसकी कैपिटल थी, विजयनगरा की कैपिटल थी, दिमाग में रखें, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम्पी किससे संबंधित है, विजयनगरा की ये क्या है, राजधानी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, प्यारा सा क्वेश्चन, जो भी बच्चा देख रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है ट्रेडिंग सेंटर जो ब्रिटिश ने लगाए थे, ठीक है, आंसर क्या है इसका, पहले सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कोलकाता। यद्यपि इसका आंसर ये लिखा होगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि पहले मुंबई में बना था, फिर कलकत्ता में बना था, ठीक है। बट सो दिस इज नॉट द आंसर, आंसर ये है सूरत, मद्रास जहांगीर के टाइम पे, फिर मद्रास, फिर मुंबई, फिर कलकत्ता, ठीक है। दिमाग में रखे आंसर सी है, डी नहीं है, ठीक है, दिमाग में रखना, डी आंसर नहीं है बच्चों, आंसर क्या है, सी है इसका, ठीक है, दिमाग में रखे सी आंसर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 26 नवंबर, आसान क्वेश्चन को ऐसे ही पेल देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लाइक करेगा 400+ कर देना इसको, स्किप मारते हैं, ठीक है। परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड इज कॉल्ड, जल्दी से आंसर क्या है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। वैसे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि 11th 12th का इकोनॉमिक्स आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। वेयर इज द बादा इम्बादरा लोकेटेड, कहां पे, लखनऊ में, ठीक है, दिमाग में रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट रिसोर्स सी वॉटर, आसान है, ठीक है, ग्लेशियर्स में 70% जो है, ठीक है, मीठा पानी है, ठीक है, 70% जो मीठा पानी है वो किसमें है बच्चों, ग्लेशियर्स में, ठीक है, दिमाग में रखे ग्लेशियर्स में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन सी बात पे, हाँ, व्हाट इज ओड वन आउट, रोजगार रोजगार रोजगार, एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू रोजगार, पेंशन, ठीक है, आंसर सी है, ठीक है, दिमाग में रखे आंसर क्या है, सी है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये आसान है क्वेश्चन, आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया था, आसान है, मोदी जी ने स्टार्ट किया 26 नवंबर इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सोन नदी है, रिहान डैम बना हुआ इसके ऊपर, हृदय स्कीम किससे संबंधित है, ठीक है, जितने भी हमारे देश के हेरिटेज साइट है इसको डेवलप करने के लिए हृदय स्कीम बनाई गई, ठीक है, हृदय स्कीम किसके लिए बनाई गई, हेरिटेज साइट जो है जितने भी उन्हें डेवलप करने के, सर डिफेंस में काम करेगा, डियर मेरे 100 क्वेश्चन ना यूपीएससी तक में काम करेंगे, उससे इन्फॉर्म, ये 100 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन है, इनफ क्वेश्चन है दिन के, जो कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको 100 की जगह 200 करने हैं ना क्वेश्चन, तो अनअकैडमी पे जुड़ना मुझसे, ठीक है, सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे मैं इसका मैराथन लेके आने वाला हूं, ठीक है, 1 घंटे में 200 क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया तरीके से सुबह 9 बजे कोशिश करेंगे 200 तक पहुंचे, ठीक है, दिमाग में रखिए 200 तक पहुंचे। क्वेश्चन देखते हैं, गुरु जब फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है यार, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या, इनकम टैक्स, जिसकी इनकम ज्यादा उसका पैसा ज्यादा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कितने बजे, 11 बजे बच्चों नेक्स्ट क्लास है, गेम चेंजिंग क्लास ये 2 है, ठीक है, दीज 2 आर गेम चेंजिंग, अपनी गेम बदलना चाहते हो, जो समझदार होगा वो सुबह 9 बजे फ्री लाइव क्लास देखने आएगा और 2:30 बजे फ्री लाइव क्लास देखने, 700 बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज की 100% गारंटी देता हूं, अगर आप ये 700 बच्चे सुबह 9 बजे मेरी ये क्लास देखते हो और 2:30 बजे देखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपकी साइंस और जीके स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, 100% गारंटी है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, आपको लिंक सुबह इसी में मिलेगा, ठीक है, आप अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हो अमनदीप शर्मा, ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, मिलते हैं कितने बजे, 11 बजे बढ़िया तरीके से, ठीक है, 11 बजे मिलते हैं बढ़िया तरीके से, ओके बाय, सेशन को एंड कर रहा हूं, ठीक है, चलिए बाय बाय। और इस चीज का दिमाग में रखना, 11 बजे आते हो तो भैया रिवाइज करके आया करो चीजों को, ठीक है, ओके बाय सभी को।